अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक जो है वो इन्फ्लुएंसर के रिलेटेड है और इस टॉपिक का नेम है हाउ टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। हम जो है वो ऑडियंस को किस तरीके से समझ सकते हैं, जिस तरह आपके कंटेंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या पोस्ट वगैरह कर रहे हैं तो आपके पेज पे जो है वो फॉलोइंग वगैरह आई है, ग्रो कर रही है ऑडियंस वगैरह, तो उसको जो है वो किस तरीके से आपने एंगेज वगैरह करना है अपने क्रिएशन के साथ, अपने जो है वो कोई चीज आप वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या फिर अपलोड वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑडियंस एनालिसिस विल रिवील हाउ डीप द रिलेशनशिप रन्स बिटवीन अ क्रिएटर एंड देयर फॉलोअर्स। जो बंदा जो है वो एक क्रिएट कर रहा है, पोस्ट वगैरह ब्लॉग बना रहा है, यहाँ पे उसके साथ रिलेशन वगैरह होता है फैन फॉलोइंग सब, उसे जो है वो किस तरह से हम अंडरस्टैंड वगैरह कर सकते हैं अपनी ऑडियंस वगैरह को। इसमें आता है डेमोग्राफिक्स, मेन चीज डेमोग्राफिक्स में आते हैं अपनी अट्रैक्शन, ऑडियंस अट्रैक्टिव वगैरह, जिसमें आपकी स्पेसिफिक रेंज होती है, उसमें जेंडर वगैरह सेलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन होती है, वुमेन मैन वगैरह, वो सारी जो है वो स्पेसिफिक रेंज में आ जाती है एज में। इसके बाद क्या आता है, एथनिसिटी आ जाता है, लोकेशन वगैरह आ जाती हैं, जिस तरह की ब्रांड की प्रोडक्ट वगैरह कर रहे हैं पब्लिसिटी हाई स्केल पे, तो आपने देखा होगा कि आप लोकेशन वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, जिस तरह इंडिया सेलेक्ट कर लिया, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, जितनी टारगेट जो है वो ऑडियंस का ट्रैफिक वेबसाइट ऑडियंस का इंक्रीज करते जाएंगे उतना आपका बजट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी मार्केटिंग ज्यादा हो जाती है, पब्लिसिटी वगैरह ज्यादा हो जाती है आपके ब्रांड वगैरह पे। एंड लाइफस्टाइल और एज वेल एज इनकम और एजुकेशन लेवल, ये सारा जो है वो डेमोग्राफिक्स में आ जाता है सारा, इससे आपकी जो है वो ऑडियंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है डेमोग्राफिक्स से, अगर आप जो है वो शेड्यूल यहाँ पे एड वगैरह करें। इसके बाद क्या है, क्रेडिबिलिटी, यहाँ पे इन दिस क्रिएटर ऑडियंस रियल पीपल और बॉट्स। अब जो है वो क्रिएटर ऑडियंस का मतलब ये है, कोई क्रिएट कर रहा है ऑडियंस वगैरह को, तो उसका हमें तो कैसे पता चलेगा कि ये रियल है या बॉट्स है, ये क्वेश्चन है। दो, इज दिस क्रिएटर एंगेजमेंट विद देयर ऑडियंस जेन्युइन, तो जो पर्सन जो है वो एंगेज कर रहा है अपनी ऑडियंस को उसको किस तरीके से पता चलेगा कि ये ऑडियंस जो है वो जेन्युइन है। इसके बाद क्या है कि रीचेबिलिटी, रीचेबिलिटी में ये होता है कि जैसे ही कोई क्रिएटर पोस्ट वगैरह कर रहा होता है तो आप जो है वो रीच कर रहे होते हैं उसकी पोस्ट वगैरह पे, उस पर इम्प्रेशन वगैरह दे रहे होते हैं, लाइक कमेंट शेयर वगैरह का, सारा ये रीचेबिलिटी में आ जाता है, जिस तरह फैन फॉलोइंग उसकी इंक्रीज हो रही होती है, अकाउंट जो है वो डेली बेस पे ग्रो हो रहा होता है ये सारा। उसके बाद वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, अगर आप कोई ब्रांड वगैरह प्रोडक्ट मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं हाई स्केल पे, अगर कोई कस्टमर वगैरह का जो है वो वे ऑफ बिहेवियर इंटरेस्ट वगैरह अच्छा है, आपकी वैल्यू वगैरह मतलब कि अच्छी है, आपका इंटरेस्ट वगैरह बिहेवियर वगैरह, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्केल पे जो है वो सेल हो जाएगी। ये काफ़ी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। ये देखिए पॉपुलैरिटी अमंग, वो पॉपुलैरिटी किस तरीके से होगी, पॉपुलैरिटी जो है वो आपकी जो है वो डेमोग्राफिक्स उसमें बड़ा मैटर करता है, उसके अलावा जो है वो ब्रांड की प्रोडक्ट वगैरह मैटर करती है, आप किस स्केल पे जो है वो करना चाहते हैं, और मेन चीज़ जो है वो किस तरीके की आप जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। क्रिएटिविटी जितनी आप करेंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे और यूनिक बनाएंगे, डिफरेंट करेंगे सबसे, इससे जो है पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, पब्लिसिटी होगी, रैंक पे आएगी वीडियो वगैरह, यहाँ पे पोस्ट वगैरह। एंगेजमेंट किस तरह होगी, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है वो आपको लाइक वगैरह करता है, उससे रिलेटेड आप पोस्ट डेली बेस पे आप कर रहे हैं, तो उससे जो है वो ऑडियंस इंक्रीज होती जाएगी, उससे एंगेजमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट आपकी उसके साथ हो जाएगी ऑडियंस की। ग्रेन है यहाँ पे और आइडेंटिफाई और ऑडियंस है यहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इन्फ्लुएंसर के लिए कि 100% जो है वो ये एक राइट इन्फ्लुएंसर है या राइट ऑडियंस है। इसमें बॉट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा यूज हो जाते हैं आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आइडेंटिफाई योर टॉप सोशल मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया चैनल्स यही है कि जितना प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर वगैरह, ये सारे जो है सोशल मीडिया चैनल्स वगैरह में आ जाते हैं, जिसमें आप जो है वो मल्टी चैनल वगैरह भी यूज कर सकते हैं ऐड अकाउंट लिंक्स वगैरह लगा के। और व्हाट यू होप टू अकम्पलिश इन अ कैंपेन, एस्टेब्लिश रिकॉर्ड ऑडियंस, क्रिएटर नेम और एंड हैंडल सोशल चैनल वगैरह, यहाँ पे ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी स्कोर है, लिंक्स टू लेटेस्ट पोस्ट, आप जो पोस्ट वगैरह करते हैं, साइज ऑफ ऑडियंस सैंपल, जेंडर रेशियो है यहाँ पे, डेमोग्राफिक्स है जिसमें लैंग्वेज कंट्री अथेंटिसिटी आप करते हैं, फॉलोअर वर्सेस नॉन फॉलोअर एंगेजमेंट है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। ये देखिए एनालाइज ऑडियंस ऑन इंस्टाग्राम है, ये भी
भी आप जो है नीचे देख सकते हैं, इन्फोग्राफिक ट्रांसक्रिप्ट काफी सारा जो है एंगेज कर सकते हैं। ये देखिए एनालाइज ऑडियंस ऑन फेसबुक से कर सकते हैं आप, जैसे कि सारे जो है सोशल मीडिया टूल्स हैं, ऑडियंस ऑन टिकटॉक है, उसके अलावा जो है वो चेकलिस्ट है यहाँ पे, ये मतलब वेरीफाई करना होता है कि ये रियल अकाउंट्स वगैरह इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के लिए, और पूरा सैंपल एनालाइज फॉरवर्ड जेंडर रेशियो है, ये डेमोग्राफिक्स में सारा आ जाता है। उसके अलावा लैंग्वेजेस आपने करनी होती है, फॉलोअर्स एंगेजमेंट रेट है, ये देखें एंगेजमेंट रेट इज इक्वल टोटल परसेंटेज ऑफ पोस्ट एंगेजमेंट और हैशटैग ऑफ फॉलोअर्स, एंगेजमेंट रेट वगैरह यहाँ पे, व्यूज रीच वगैरह, कितने इंप्रेशन वगैरह आते हैं आपकी पोस्ट वगैरह, वो सारा यहाँ मेंशनड है। इस तरीके से हम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने ऑडियंस वगैरह को, एंगेज वगैरह कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट या फिर अपने पोस्ट वगैरह के साथ। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे अच्छी लगेगी तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।